बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से आज बड़ी राहत मिली। उनके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज केस को शीर्ष अदालत ने दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया है। इससे पहले 19 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जमशेद पार्डीवाला की बेंच ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में नुपुर की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी। साथ ही 8 राज्यों में दर्ज FIR दिल्ली ट्रांसफ़र करने नोटिस जारी किया था। सुनवाई के दौरान आज नुपुर के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि कई पक्षों के जवाब नहीं आए हैं। पश्चिम बंगाल से हमें बार बार समन आ रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि लेकिन हमने दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई हुई है। इसके बाद मनिंदर सिंह ने कहा कि बेहतर है कि सभी केस दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिए जाएं। इसके बाद जस्टिस ने पूछा कि 19 जुलाई को हमारी सुनवाई के बाद क्या कोई और FIR हुई। जस्टिस ने कहा कि हम सभी FIR को एक साथ जोड़कर दिल्ली ट्रांसफ़र कर देंगे। इस पर मनिंदर ने कहा कि FIR रद्द करवाने के लिए भी दिल्ली हाईकोर्ट में ही याचिका की अनुमति मिले। इस पर जज ने कहा कि हाँ, ऐसा ही किया जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल की वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि दिल्ली में दर्ज जिस FIR को पहली FIR बताया जा रहा है, उसमें नुपुर आरोपी नहीं, शिकायत करता है। जज ने कहा कि तो पहली FIR कौन सी है जिसमें नुपुर आरोपी हैं। मेनका ने बताया कि वह FIR मुंबई की है। मनिंदर सिंह ने इस पर कहा कि नुपुर की जान पर खतरे को ध्यान में रखा जाए। जस्टिस ने फिर कहा कि हम दिल्ली ही ट्रांसफ़र करेंगे। मेनका ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये गलत होगा, पहली FIR मुंबई की है। इस पर जस्टिस ने कहा कि जांच एजेंसी अपना काम कर लेगी। मेनका ने दखल देते हुए कहा कि पहले सभी FIR दिल्ली ट्रांसफ़र की मांग एक बार खारिज हो चुकी है, बेहतर है कि एक संयुक्त SIT बना दी जाए। इस पर जस्टिस ने कहा कि हमने बाद में ये पाया कि सुरक्षा कारणों से याचिकाकर्ता का देश भर की कोर्ट में जाना संभव नहीं है। जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश में कहा याचिकाकर्ता ने अपने ऊपर दर्ज FIR रद्द करने या फिर उन्हें दिल्ली ट्रांसफ़र करने की मांग की ताकि एक ही एजेंसी जांच करे। 1 जुलाई को हमने मांग खारिज की, लेकिन बाद में नए तथ्य हमारे सामने आए। जस्टिस ने कहा हम फिर FIR रद्द करने की मांग पर कोई आदेश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए याचिकाकर्ता दिल्ली हाईकोर्ट में मांग रख सकती हैं। हमने याचिकाकर्ता की जान पर गंभीर खतरे पर विचार किया है। हम सभी FIR दिल्ली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। सबकी जांच दिल्ली पुलिस करेगी। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। अन्य बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ साइट के साथ। धन्यवाद।